السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سامعين الكرام सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी तस्बीह, उसकी तहमीद, उसकी हमदो सना हम तमाम लोगों को करनी चाहिए जो अल्लाह तन्हा सारी कायनात को बनाने वाला है और तन्हा ही सारी कायनात के निज़ाम को भी चलाने वाला है। उसके बाद तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो, जिन्होंने इंसानियत को खैर भलाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, निजात का रास्ता, अल्लाह की रजामंदी का रास्ता, अल्लाह की रजा जोई का रास्ता, अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता और सबसे अजीम कामयाबी जन्नत की तरफ ले जाने वाले रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाई। हजरात, आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मेरा मौजू है वो है और जन्नत में महल बनाए और जन्नत में घर बनाए। मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़त फ़ास, वो शख्स कामयाब हो गया। यकीनन जहन्नम से बच जाना ये इंसान के लिए बहुत ही अजीम कामयाबी है और जन्नत में दाखिल हो जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला मामूली दिनों के लिए भी जहन्नम के अंदर डाल दे तो ये इंसान के लिए बहुत ही बड़ी नाकामी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, लाबिसी नफी है काबा, कि काफिर जहन्नम के अंदर लामतना ही मुद्दत के लिए रहेंगे। अहकाब यह हुक्म की जमा है और हुक्म जो कहते हैं उसके सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम ने और अहले लुगत ने जो तारीफ बयान की है कि हुक्म कहते हैं कि 80 साल को या उससे कुछ ज़ायद को। हज़रत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हुक्म, एक हुक्म जो होता है वो 80 साल का होता है। एक साल में जाहिर बात है 360 दिन हैं, और फिर फरमाया है कि ये एक जो दिन होगा वो दुनिया का दिन नहीं होगा बल्कि वो आखिरत का दिन होगा, और आखिरत का एक दिन जो होगा अल्फसनति मिम्मा तअदून, एक दिन दुनिया के हिसाब से 1000 साल का एक दिन होगा। गोया अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी शख्स को जहन्नम के अंदर सिर्फ़ एक हुक्म के लिए डाल दिया, एक हुक्म, करोड़ों साल बन जाते हैं, करोड़ों साल बन जाते एक हुक्म सिर्फ। आदमी सोचता है चलो हम ईमान वाले हैं, तौहीद वाले हैं, जन्नत में तो जाना है, लेकिन अगर मामूली दिनों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें डाल दिया, एक हुक्म के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया, तो ये जो मुद्दत बनती है वो करोड़ों साल की मुद्दत बनती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचाए, उसके आज़ाब से बचाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वउदखिलल जन्नत, और जो शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़त फ़ास, वो शख्स कामयाब हो गया। यकीनन
جنت کی کامیابی انسان کے لیے سب سے عظیم کامیابی ہے، اور ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت نصیب فرما دیں، بلکہ جنت الفردوس نصیب فرما دیں۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر، ما لا عین رأت، جس کو کسی نگاہ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے تصورات میں وہ چیزیں آئی ہیں۔ اللہ نے کیا کیا جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھا، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، اور وہ چیز آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اذا دخل اہل الجنتی الجنتا، جب جنتی جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، تو ایک ندا لگانے والا، ایک اعلان کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارے گا، جنتیوں کو خوشخبری دے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو تم یہ خوشخبری اور بشارت سن لو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، جنت کے اندر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یقیناً آدمی موت سے بھاگتا ہے، ہر آدمی موت کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شخص موت کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہر شخص موت سے بھاگتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے، جو بھی یہاں پیدا ہوا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے، اس کو موت ضرور بھی ضرور آئے گی، لیکن جنت یہاں موت نہیں ہوگی۔ فرشتہ اعلان کرے گا، ندا لگانے والا ندا لگائے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو تم سن لو، اس جنت کے اندر تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، وان لکم ان تصحوا، اور دوسرا جو اعلان کرے گا کہ جنتیو یہ بھی بشارت سن لو، یہ بھی خوشخبری تم سن لو، وان لکم ان تصحوا، جنت کے اندر تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، فلا تسقموا ابدا، جنت میں کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ یقیناً صحت بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور صحت کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے، صحت کی اہمیت وہی جانتا ہے جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مریض ہو جاتا ہے، جب آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو صحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ صحت اور تندرستی کیا چیز ہے۔ معمولی سا بخار آدمی کے جسم میں آیا، آدمی بالکل جو ہے اس کے سکون کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ایک بے سکونی کا عالم ہوتا ہے، بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اچھا نہیں لگتا ہے۔ آدمی جو ہے جب صحت مند رہتا ہے تو بچوں کے ساتھ بھی رہتا تو وہاں بھی اچھا لگتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اگر گھر کے اندر اس کے پاس آتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بدن کے قریب آتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو بدن کے اوپر اگر چڑھے تو عام دنوں میں صحت مندی کے عالم میں اچھا لگتا ہے، لیکن وہی معصوم بچہ جب بیماری کی کیفیت ہو قریب آئے تو دل طبیعت کہتی ہے کہ بچہ تھوڑا دور ہو جائے۔ صحت ایسی عظیم دولت ہے کہ آدمی کی صحت جب چلی جاتی ہے تو اس کو صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں، آج تو اتنی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے کھانے سے زیادہ دواؤں پہ پیسے خرچ کر رہا، کھانے سے زیادہ دوا پر پیسے خرچ کر رہا، اور ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ جن کا نام لوگوں نے کبھی نہیں سنا تھا، عجیب عجیب بیماریاں ہو گئی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔
लेकिन जन्नत के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। इन नलकुम अंतसिहु फला तस्कमु अबदन, ऐ जन्नतियों तुम सुन लो, जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। व इन नलकुम अंतशिबु फला तहरमु अबदन, और तीसरा जो जन्नतियों को ऐलान सुनाया जाएगा वो ऐलान ये होगा, इन नलकुम अंतशिबु, ऐ जन्नतियों तुम सुन लो, हमेशा हमेशा तुम जवान रहोगे। फला तहरमु अबदन, तुम जन्नत के अंदर कभी बूढ़े नहीं होगे। यहाँ दुनिया के अंदर आदमी एक वक्त की बचपना गुजारता है, जवानी आती है, और जवानी के बाद फिर आदमी बुढ़ापे की तरफ कदम रख देता है, बूढ़ा हो जाता है। और वही आदमी जो लड़कपन में, जो जवानी के अंदर अपनी ताकत पर जिसको नाज होता है, जिसको अपने हुस्न व जमाल पर नाज होता है, जिसको अपनी सेहत पर नाज होता है, जिसको अपनी ताकत पर गुरूर होता है, जब उम्र ढलने लगती है तो वही आदमी जो है उसके सारे गुरूर, उसके हुस्न व जमाल पर जो उसको नाज था, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। शबाब या जवानी ऐसी चीज़ है जो अहम चीज़ है। आदमी जब बूढ़ा होता है तो फिर जवानी का एहसास होता है उसे कि यहाँ जवानी कोई चीज़ है, जवानी की कोई अहमियत है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। क्यों? बुढ़ापे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आदमी करना चाहता है तो कर नहीं पाता है। अभी जवानों को समझ में वो बात नहीं आती, हमको भी समझ में वो बातें नहीं आती हैं कि आखिर क्या होती वो चीज़। लेकिन जिस जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है, उस तरह आदमी को अंदाज़ा होता है क्या परेशानियाँ लायक होती हैं, क्या बुढ़ापे में क्या दिक्कतें लायक होती हैं, और किस किस तरह आदमी जो है बुढ़ापे के अंदर परेशान होता है। वही आदमी जो जवानी के अंदर किसी को खातिर में नहीं लाता है, बूढ़ा हो जाता है, बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चों के नज़दीक भी उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। ये दुनिया का हाल है कि यहाँ जो आदमी आया है, अगर उसको लंबी उम्र मिले तो जवानी भी देखता, और एक वक्त आता है कि शबाब के बाद, जवानी के बाद बुढ़ापा भी उस पर तारी होता है। लेकिन जन्नत के अंदर कभी भी बुढ़ापा तारी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निदा लगाने वाला, पुकारने वाला पुकारेगा और ऐलान करेगा, ये बशारत और खुशखबरी जन्नतियों को देगा। वा इन्ना लकुम अंतशिबो, ऐ जन्नतियों तुम सुन लो, तुम हमेशा हमेश इस जन्नत के अंदर जवान रहोगे। फला तहरमु अबदन, तुम कभी भी जन्नत के अंदर बूढ़े नहीं होगे। और चौथा जो ऐलान होगा, वह इन्ना लकुम अंतनामु, ऐ जन्नतियों ये भी ऐलान सुन लो, ये भी खुशखबरी और बशारत सुन लो कि जन्नत के अंदर तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। फला तबअसु अबदन, जन्नत के अंदर तुम्हें कभी बदहाली नहीं आएगी। दुनिया है, दुनिया के अंदर तो आदमी कभी खुशहाल है, कभी बदहाल है। कोई महीना ऐसा है कि आदमी के पास खुशहाली है, फरावानी है, माल है, पैसा है, बिजनेस चल रहा है, उसका कारोबार चल रहा है। मालूम हुआ कोई महीना आया, दूसरा कारोबार ठप हो गया, पैसे जहाँ के तहाँ रुके रह गए, घाटा लग गया, बिजनेस में खसारा लग गया, और आदमी के पास कभी खुशहाली कभी बदहाली। इन्ना माल उस्र युस्रा, जो है खुशहाली के साथ तंगी के साथ, खुशहाली और तंगी ये दोनों साथ साथ दुनिया के अंदर चलती रहती हैं। इन्ना माल उस्र युस्रा, कभी तंगी कभी खुशहाली, ये चीज़ें दुनिया में साथ चलती हैं, लेकिन आखिरत के अंदर बदहाली नहीं आएगी। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंदर हमेशा खुशहाल रहेगा आदमी, हमेशा खुशहाल रहेगा। और जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों का मेज़बान होगा, जन्नतियों का मेज़बान अल्लाह तबारक व तआला होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए जो कुछ है, जो कुछ दिया जा रहा है, ये बतौर मेहमानी के होगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, गफूर रहीम की तरफ से बतौर मेज़बानी के होगा, मेहमान के तौर पर आपके लिए सारे इंतज़ाम किए जाएंगे। और यकीनन दुनिया के अंदर अगर आप किसी बड़ी शख्सियत के मेहमान बन जाएँ तो आदमी उसको अपने यादगार के तौर पर महफूज करना चाहता है। आज तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल के अंदर आदमी
उसको जो है रिकॉर्ड कर लेता है या मोबाइल के अंदर उसकी तस्वीरें उतार लेता है, उसके फ़ोटो खींच लेता है और उसको जो है महफूज रखता है यादगार के तौर पर कि मैं फला शख्सियत का मेहमान हुआ था, फला बड़ी शख्सियत के यहाँ मैं बतौर मेहमान के गया था। आदमी को एक तरह से खुशी होती है। और कल क़यामत के दिन जब जन्नती अल्लाह का मेहमान होगा और अल्लाह जन्नतियों का मेज़बान होगा, यकीनन कितनी खुशी की बात होगी, कितनी बड़ी जो है आदमी की इज्जत की बात होगी, कितना ज़्यादा उसके लिए जो है फ़ख्र की बात होगी कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा मेज़बान होगा और अल्लाह तबारक व ताला के हम लोग मेहमान होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को जन्नत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की मजलिस में एक दफ़ा बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख्वाब बयान किया और ज़ाहिर बात है नबी का ख्वाब, अंबिया किराम का ख्वाब, रसूलों का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दखलतुल जन्नत, मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, फअबसरतु कसरन, तो जन्नत के अंदर मैंने एक महल देखा, तो मैंने फरिश्तों से सवाल किया, फरिश्तों से पूछा, लिमन हादल कसर, ऐ फरिश्तों ये बताओ ये जन्नत के अंदर जो महल है वो किस आदमी का है, किस शख्स का है, किसके लिए जन्नत के अंदर महल तामीर किया गया है? तो फरिश्तों ने कहा, लिरजुल मिन कुरैश, ये जन्नत के अंदर जो महल तामीर किया गया है, जो महल बनाया गया है, ये कुरैश के एक आदमी के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं भी तो कुरैशी हूँ, मैं भी कुरैश ख़ानदान का हूँ, हो सकता है ये महल मेरे ही लिए बनाया गया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सवाल किया पूछने के लिए कि आखिर कुरैश का वो कौन शख्स है, कुरैश का कौन आदमी है जिसके लिए इस महल को तामीर किया गया है जन्नत के अंदर? तो फरिश्तों ने कहा, हादा ली उमर इब्न अल-खत्ताब, ली उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल है जो अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के अंदर तामीर किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, फ़अरदतु अन अदख़ुलह, मैंने सोचा कि मैं अंदर भी इसके अंदर दाखिल हो के देखूं कि बाहर से इतना खूबसूरत महल है, इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है, अंदर क्या चीज़ है, अंदर कैसा है। फ़अरदतु अन अदख़ुलह, मैंने इरादा किया मैं इस महल के अंदर दाखिल हो जाऊँ। फ़लम यमनअनी इल्ला इल्मी बिग़ैरतिका, या उमर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस के अंदर तशरीफ़ फरमाते, वहाँ बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर, मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, कि उमर जो है बड़ा गैरतमंद आदमी है, अपने इज्जत के सिलसिले में, अपने नाबूस के सिलसिले में बड़ा ही गैरतमंद आदमी है, और मैं उमर के बग़ैर उसके घर में कैसे दाखिल हो जाऊँ। फ़लम यमनअनी इल्ला इल्मी बिग़ैरतिका, आए उमर, मुझे सिवाय इस बात के और किसी चीज़ ने नहीं रोका कि उमर तो बड़ा गैरतमंद आदमी है और मैं कैसे उमर के घर में दाखिल हो जाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। ज़ाहिर बात है कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आदमी के सामने, सहाबी के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बता रहे हों और उसको खुशखबरी और बशारत दे रहे हों कि मैं जन्नत में तुम्हारा महल देख के आया हूँ, जन्नत के अंदर मैं तुम्हारा महल देख के आया हूँ। कितनी बड़ी खुशी की बात है। और यकीनन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त जो खुशी और फरहत और मुसर्रत मिली होगी उसको बयान भी नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई शख्स होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब हुआ होता, हम आपकी मजलिस में होते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी को बशारत देते और ये खुशखबरी सुनाते कि मैं जन्नत में तुम्हारा महल देख के आ रहा हूँ, कितनी खुशी होती, कितनी फरहत होती, कितनी मुसर्रत होती, कितनी शादमानी होती, दिल को कितना सुरूर और दिल के जज्बात क्या होते,
लेकिन कहाँ वो नसीब है। सहाबे किराम का जो इंतखाब है वह इंतखाब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने सहाबे किराम को खुसूसी तौर पर अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया। वह उनका नसीब था, वह उनका मुकद्दर था जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाया। ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की ज़ुर्रियत को पैदा किया तो उनके ऊपर एक निगाह डाली, और आदम की ज़ुर्रियत के अंदर जो सबसे बेहतरीन दिल थे, सबसे अच्छे लोग थे, उन लोगों को अपने नबी के तौर पर चुन लिया, नबी के तौर पर उनको मुंतखब कर लिया, अपना नबी बनाने के लिए उनका इंतखाब कर लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद दोबारा इब्ने आदम की तरफ, ज़ुर्रियत आदम की तरफ, आदम की ज़ुर्रियत पर निगाह डाली, फिर उसमें सबसे अच्छे क़ुलूब थे, सबसे अच्छे लोग थे, दिल के जो सबसे अच्छे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने नबी के सहाबा के तौर पर उनका इंतखाब कर लिया। तो ये इंतखाब जो है सहाबा का, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने उनको चुना है अपने नबी के सहाबा के तौर पर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों के दरमियान बहुत से लोग हैं जो सहाबे किराम को बुरा भला कहते हैं। नऊज़ बिल्लाह, हमारे अंदर एक जमात है जो सहाबे किराम के अक्सर पूरी जमात को, कुछ लोगों को छोड़कर सारे सहाबा को नऊज़ बिल्लाह मुर्तद और काफिर कहते हैं, जबकि अल्लाह ने उनके सिलसिले में ऐलान किया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा से राज़ी हो गया और सहाबा अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो गए। रजामंदी दोनों तरफ है, दो तरफा रजामंदी, अल्लाह भी सहाबा से राज़ी और सहाबा भी अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो गए। ये अल्लाह की तरफ से बशारत है। तो अगर कोई शख्स सहाबे किराम को बुरा भला कहता है, तो यकीनन अगर कोई शख्स चाँद पर थूकने की कोशिश करे या कोई शख्स जो है सूरज पर थूकने की कोशिश करे, तो जाहिर बात है वो सूरज पर थूकने वाला खुद उसका थूक जो है, चाँद पे थूकने वाले का थूक खुद उसकी तरफ लौट कर आ जाएगा, खुद उसके ऊपर आके गिरेगा। तो सहाबा जो है बहुत अजीम शख्सियतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मन सब असहाबी, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत हो, वल मलाइकति, उस पर फरिश्तों की लानत हो, वन्नास अजमईन, और ऐसे शख्स पर तमाम इंसानियत की लानत हो। सहाबे किराम का मर्तबा बहुत अजीम मर्तबा है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा वली, बड़ा से बड़ा नेक और पारसा आदमी, बड़ा से बड़ा बुज़ुर्ग आदमी भी हो, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हों के पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। जिसने एक बार ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया हो, उन तमाम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना, तो एक तरफ तो खुशी हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर मेरा महल देखकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अफसोस हुआ थोड़ा सा कि काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उस महल को अंदर भी जाकर देख लेते। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों रो पड़ते हैं, आपकी आँखों से आंसू आ जाता है, और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह बे अंत अबी व उम्मी अब अगर अलैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे बाप कुर्बान हो, मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, मेरे वालदैन आप पर कुर्बान जाएँ, अब अगर अलैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपसे कौन सी गैरत की बात हो सकती है, आपसे कौन सी गैरत की बात हो सकती है, दुनिया का सबसे मुकद्दस आदमी, कायनात का सबसे बुजुर्ग तरीन आदमी, कायनात का सबसे अजीम आदमी, कायनात का सबसे पारसा आदमी अगर मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाता, अल्लाह के रसूल मुझे कौन सी गैरत आती, मुझे बिल्कुल गैरत नहीं आती, आप मेरे घर के अंदर, मेरे उस महल के अंदर जो जन्नत में था, अल्लाह के रसूल आप चले जाते उसमें,
आप देख लेते उसको अंदर से, आपने क्यों नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत के अंदर महलात भी तामीर कर रखे हैं, जन्नत के अंदर उनके लिए जो है किले भी तामीर कर रखे हैं, एक से एक महलात अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर कर रखे हैं। जाहिर बात है हमारी भी ख्वाहिश है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन जन्नत में अगर महलात तामीर करना है तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे आमाल हैं, छोटे छोटे आमाल हैं, उन छोटे छोटे आमाल की बुनियाद पर हम जन्नत के अंदर महलात तामीर कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति गुरफन, जन्नत के अंदर कुछ ऐसे बाला खाने होंगे, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा, जिसका बैरूनी मंज़र, बाहर का मंज़र अंदर से पूरा नज़र आएगा। यानी जन्नत के अंदर उस महल के अंदर जो बैठा होगा वो सारा बाहर का नज़ारा कर सकता है, सारी चीज़ें दिखेंगी। वह बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, और बाहर से भी जन्नत का पूरा अंदर नज़ारा कर लेगा। गोया जन्नत के अंदर शीश महल होंगे, अल्लाह तबारक व ताला ये शीश महल और ये जन्नत उन लोगों के लिए बना रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदा अल्लाह ताला लिमन अतअमत ताम, ये जन्नत के शीश महल अल्लाह ने उन लोगों के लिए बनाया है, लिमन अतअमत ताम, जो लोगों को खाना खिलाएं, वालान अल कलामा, और जो अपनी गुफ्तगू को नर्म करे, वताबा सियामा, और जो कसरत से रोज़े रखे, वसल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम, और रात में उस वक्त नमाज उठकर पढ़े जब सारी इंसानियत सो रहे हों, लोग जब सो रहे हों तो उस वक्त उठकर नमाज पढ़े, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़े। खाना खिलाना गरीबों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, बेकसों को, बेसहारा लोगों को बहुत अजीम काम है। अपने रिश्तेदारों को, अपने आयज़ा को, अपने अकारीब को, इन लोगों को भी खिलाना बहुत अजीम काम है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर ऐसा महल तामीर कर रखा है कि अंदर से बाहर का मंज़र और बाहर से अंदर के सारे मनाजिर दिखाई देंगे। इस तरह का महल अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर कर रखा है, लिमन अतअमत तआमा, जो लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना ये बहुत अजीम जो है, बहुत ही अजीम नेकी है, और अरबों के अंदर ख़ास तौर से ये चीज़ आज भी पाई जाती है। और अरब तो हमेशा मेहमान नवाजी, लोगों को खाना खिलाने का उनकी जो रिवायत रही है हमेशा से रही है, हमेशा जो है ये चीज़ वो करते रहे हैं कि मेहमानों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, बेकसों को खाना खिलाना, बेसहारा लोगों को खाना खिलाना, यह उनका वतीरा रहा अरबों का हमेशा। एक वाकया है, एक साहब बताने लगे कि हम लोग जो है गए थे उमरा करने के लिए, कहने लगे जो है कि हम दो लोग साथ में थे और खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे अपने कुछ साथियों का। इतने में एक नौजवान आया और कहने लगा कि आप जो है हमारे दस्तरखान पर चलिए, और रमज़ान का महीना था उमरा का, वहाँ दस्तरखान बिछते हैं, लोग बिछाते हैं और बुला बुला कर दस्तरखान पर खिलाते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अपने बच्चों को, लड़कों को भेजते हैं कि अपने दस्तरखान पर लोगों को पकड़ कर लाओ, लेके आओ और खिलाओ। तो कहने लगे जो है, वो लड़का आया और कहने लगा, आप हमारी दावत कबूल कीजिए और हमारे यहाँ चलिए। तो उन्होंने कहा, अभी हम लोगों को देर लगेगी, हमारे कुछ साथी हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको देर हो जाएगी तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए, किसी और को तलाश कर लीजिए। उस लड़के ने कहा, कितना टाइम जाएगा? कहने लगे, आधा पौना घंटा भी हो सकता है। कहने लगा लड़का, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं आपके और दीगर साथियों का इंतज़ार कर लूँगा। कहने लगे, करीब आधा पौना घंटा के बाद हमारे दूसरे साथी आए तो वो लेकर चलने लगा साथ में। इतने में एक उसका साथी और मिला, कहने लगा, तुम्हारे पास चार मेहमान हैं, चार मेहमान हैं तुम्हारे पास, अपने दो मेहमान हमें दे दो। तो इन्होंने कहा, भाई बड़ी मुश्किल से ये मेहमान मिले हैं, यूं ही नहीं मिल गए हैं, मैंने इंतज़ार किया है, आधा पौना घंटा मैंने इंतज़ार किया तब मुझे ये चार मेहमान मिले हैं, मैं आपको कहाँ से दे सकता हूँ। तो मेहमान की ये कदर कीमत, या लोगों को खाना खिलाने का एक जज्बा, एक शौक़,
लेकिन आज हम लोगों में खुसूसन हम मुँह जो है मेहमानों को देखकर या पहचान और शनासा लोगों को देखकर या गरीबों को ना खिलाना पड़े इस तरह की चीज़ें करते हैं, और खुसूसन यहाँ का जो अमीर तबका है वो अपने दावतों में गरीबों को नहीं बुलाता है। अमीर है तो गरीबों को नहीं बुलाता, हालांकि ये गलत बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों को अपने दस्तरखान पर बुलाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमन अतअमत तआमा, जो शख्स जो है खाना खिलाए लोगों को, व अलानल कलामा, और अपनी गुफ्तगू को अपनी बात को नर्म रखे। नर्म गुफ्तगू करना ये जन्नत के अंदर ऐसे महल मिलने की गारंटी है जो अंदर से जिसका मंजर बाहर का मंजर नज़र आएगा और बाहर से अंदर का मंजर नज़र आएगा। अलानल कलाम, जो शख्स नर्म गुफ्तगू करे, नर्म बात करे। आदमी आज जो है ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ने लगता है या ऊंची आवाज़ में तू तू मैं करने लगता है, और आदमी जो है नर्म गुफ्तगू के बजाय, नर्म बात के बजाय सख्ती से बात करना आज एक फैशन बन चुका है। धौंस जमाना एक फैशन बन चुका है। एक वाकया है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रही थी, और जिस सवारी पर सवार थी वो सवारी अभी सिधाई हुई नहीं थी, यानी उसको सवारी बैठाने की आदत नहीं थी। कोई जानवर जिस पे घोड़ा है या ऊँट है, अगर वो अभी बचपन से थोड़ा बड़ा हुआ है और उस पर सवारी लोगों ने ना की हो तो जानवर बिदकता है। जिस जानवर की सवारी ना की गई हो, जब उस पर नया नया कोई सवार होता है तो जानवर बिदकता है, लेकिन धीरे धीरे सवारी करते करते वो जानवर जो है सिद्ध जाता है और फिर जो है बिदकता नहीं है। तो नई नई सवारी थी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उस पर सवार हुई तो बिदकने लगा, उन्होंने सख्ती की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा, सख्ती मत करो। सख्ती जो है वो हर चीज़ को बिगाड़ देती है, किसी भी चीज़ को सख्ती बिगाड़ देती है। जिस चीज़ में भी सख्ती आ गई, सख्ती बिगाड़ देती है, और किसी भी चीज़ के अंदर अगर नरमी है तो नरमी हर चीज़ को मुज़य्यन कर देती है, बेहतर बना देती है, अच्छा बना देती है। आज लोग तरबियत के मामले में भी खुसूसन अपने घर के अंदर या कहीं भी अगर वो मुरब्बी हैं और तरबियत लोगों को बच्चों को दे रहे हैं तो सख्ती बहुत करते हैं, हालांकि सख्ती जो है वो रिएक्शन पैदा करती है, रद्द अमल पैदा करती है। आप अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चा उसका उल्टा करना शुरू कर देगा, और खुसूसन वो बच्चे जो भी जवानी की दहलीज में दाखिल हो रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे, अगर आप उन पर बहुत सख्ती करना शुरू कर देंगे तो फिर जो है उसका उल्टा रिएक्शन होगा। मुमकिन है वो आपके सामने आपके डर की वजह से ना करे, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो वही करेगा जिससे आप मना करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि नरमी हर चीज़ को संवार देती है, बना देती है, मुज़य्यन कर देती है, और सख्ती हर चीज़ को बिगाड़ देती है। लिमन अतअमत तआम व अलानल कलाम व तबअ असिया। इसी तरह रोज़ा रखना, रोज़ा अगर आदमी कसरत से रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी इस तरह का महल तामीर करेगा। व सल्ला बिललैल व नास नियाम, और उस वक्त उठकर नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हो, तहज्जुद की नमाज। आज जो है मुंबई शहर के अंदर, इस शहर के अंदर जहां हम रह रहे हैं, यहां रात जो होती है 1 बजे के बाद होती है। अक्सर लोग 12 बजे के बाद खाना खाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते मालूम 12 बज गए, 1 बज गए, कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे, और सोते सोते मालूम हुआ 1 से 1.5 बज गए, 2 बज गए। बाद लोग तो 3-3 बजे अपने घरों पर पहुंचते हैं। तो जो आदमी 1 बजे 2 बजे सोएगा तो तहज्जुद तो छोड़िए, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, फजर की नमाज भी उसकी गायब हो जाएगी, तो भला तहज्जुद कहाँ से पढ़ेगा। हालांकि तहज्जुद ऐसी चीज़ है, अगर आदमी उस पर पाबंदी करे तो जहाँ आखिरत के लिए उसमें फ़ायदा है, वहीं दुनिया के सिलसिले में भी बहुत से फ़वाद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकफ़रतुल लिल आसाम, मुकफ़रतुल लिल आसाम, ये जो गुनाहों को मिटा देती है, मुकफ़रतुल लिस सय्यात, ये गुनाहों को मिटा देती है, और मनहातुल लिल आसाम, और गुनाहों से रोक भी देती है। और एक हदीस के अंदर ये है कि तहज्जुद जो है बदन से सारी बीमारियों को निकाल भी देता है।
तहज्जुद अगर आदमी पढ़ता है तो तहज्जुद की वजह से आदमी सेहतमंद रहता है। आज हमारा हाल यह है कि अगर हम संडे को अपने महलों पर निगाह डालें, अपनी सोसाइटी पर निगाह डालें, तो दीगर अय्याम में जब तालीमी अय्याम हो, पढ़ाई हो रही हो, स्कूल चालू हो, तो मालूम हुआ सुबह सुबह चहल पहल तो दिखती है, लेकिन छुट्टी की अय्याम में आप हफ्ते में संडे को ही निगाह डाल लें तो मालूम हुआ संडे को बिल्कुल सन्नाटा रहता है। मुस्लिम महलों के अंदर सन्नाटा रहता है और दीगर महलों के अंदर हम जाएं, वो लोग मालूम हुआ सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, 4 बजे 5 बजे उनके महलों के अंदर लोग उठ जाते हैं। हालांकि हमारी जो आदत होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द बेदार होना और जल्द से जल्द उठना और तहज्जुद की नमाज पढ़ना, फिर फज्र की नमाज पढ़ना, ये मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमसे बहुत दूर हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तहज्जुद भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके बेटे का इंतकाल हो जाए और इंतकाल पर अगर आदमी सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस सब्र की बुनियाद पर उसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार कर देता है, उसके लिए जन्नत में एक महल बना देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे के बेटे की वफात होती है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से पूछता है, कबज़्तुम वलद अब्दी, ऐ फरिश्तो क्या तुम लोगों ने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया। फ़यकूलूना नाम, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला हाँ हम लोगों ने तेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया है। फिर अल्लाह तबारक व ताला पूछता है, अकबज़्तुम समरत फुआदिही, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर गोशे की रूह को कब्ज़ कर लिया है। फ़यकूलूना नाम, तो कहते हैं हाँ अल्लाह तबारक व ताला हमने ऐसा ही तेरे हुक्म से किया है। अल्लाह तबारक व ताला कहता है, माज़ा काल अब्दी, इस गम की कैफियत में, इस परेशानी की कैफियत में, इस मुसीबत के आलम में, इस मुसीबत की घड़ी में मेरे बंदे ने कहा क्या, मादा काल अब्दी, उसके जबान से क्या कलिमा निकला। तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे ने इस गम के आलम में भी, इस मुसीबत के आलम में भी, जब आदमी के होशो हवास गायब हो जाते हैं, इस आलम में उसने हमीद कहा, ऐ अल्लाह उसने तेरी तारीफ की, तेरी हम्द बयान की, वस्तर जा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है फरिश्तों से, वबनु लिअब्दी बैतन फिल जन्नत, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना दो, जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर दो। वसम्मूहु बैतुल हम्द, और उस महल का नाम बैतुल हम्द रख दो, बैतुल हम्द रख दो। यकीनन औलाद की वफात पर सब्र करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दिलगुर्दे की बात है। वो आदमी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अज़्म और हिम्मत और हौसला होगा और अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान होगा, वही बंदा बेटे की मौत पर सब्र कर सकता है। नहीं तो हम जैसे मामूली ईमान वाले, कमज़ोर ईमान वाले जजा और फजा करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बेटे की वफात पर अगर सब्र करता है तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर देता है और उस महल का नाम ही बैतुल हम्द रख देता है। इसी तरह जन्नत में अगर हमें अपना घर बनाना है तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ल इस्नतै अशरत रकअतन, जो शख्स दिन और रात में, मन सल्ल फी यौमिन व लैलतिन इस्नतै अशरत रकअतन, दिन और रात के अंदर जो शख्स 12 रकअतें पढ़ ले, या दूसरी हदीस के अंदर आया है अशरत रकअतन, 10 रकअतें पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल एक तामीर कर देता है। वो 12 या 10 रकात कौन सी है? फज्र की नमाज से पहले 2 रकात, जोहर की नमाज से पहले 4 रकात या 2 रकात, जोहर की नमाज के बाद 2 रकात, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात, और फिर ऐशा की नमाज के बाद 2 रकात। ये कुल 12 रकात होती हैं या 10 रकात होती हैं। जोहर से पहले अगर
चार रकात पढ़ा तो 12 रकात होती हैं, और जोहर से पहले अगर 2 रकात पढ़ा तो कुल 10 रकातें होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये आदमी जो है पांचों नमाजों के आगे और पीछे ये 10 या 12 जो रकातें होती हैं अगर कोई आदमी पढ़ लेता है, मान लीजिए आज हमने ये 12 रकातें या 10 रकातें पढ़ ली, हमारे लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर हो गया। जन्नत के अंदर एक महल अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बना देता है। इसी तरह एक बहुत मामूली अमल है, बहुत छोटा सा अमल है, उस छोटे से अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर घर बना देता है या जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर देता है। वो क्या है जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं या जिसकी तरफ ध्यान ही बिल्कुल नहीं देते हैं? वो है सफ के अंदर खाली जगह को पुर कर लेना। आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाता है, मालूम हुआ इमाम को कहना पड़ता है कि सब के अंदर आगे जगह खाली है, आप हजरात पुर कर लें, उसके बाद जो है पीछे खड़े हो। आगे खाली रहती है, पीछे लोग रहते हैं, आगे बढ़कर जो है खाली जगहों को पुर नहीं करते हैं। लेकिन ये छोटा सा अमल जो है इसकी बड़ी अहमियत है, और इस छोटे से अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देता है। अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सद्द फुरजतन रफा अल्लाह बिहा दरजतन। जो शख्स जो है सब के अंदर किसी खाली जगह को पुर कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उस अमल की बुनियाद पर उसके एक दर्जा को बुलंद कर देता है। वो बना लहू बैतन फिल जन्ना, और उसके इस मामूली अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देता। बहुत मामूली अमल, और इस मामूली अमल की बुनियाद पर जन्नत के अंदर एक महल तामीर हो जाता है। यहाँ आदमी मालूम हुआ बम्बई जैसे शहर के अंदर बहुत से आदमी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं किराए के मकान पर, या बग़ैर बाल बच्चों के यहाँ गुजार देते हैं, क्योंकि ये वसात नहीं होती उनके पास कि वो यहाँ बच्चों को रख सकें, या उनके पास इतनी वसात नहीं होती है कि वो इस शहर के अंदर घर खरीद सकें। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, घर नहीं बना पाता आदमी, लेकिन एक मामूली सा अमल करके खाली जगह अगर सफ के अंदर है, हम अगर उस खाली जगह को पुर कर लें इस छोटे से अमल की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व ताला उस जन्नत के अंदर हमारे लिए महल बना देता है, जिस जन्नत के बारे में अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी को जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की भी जगह मिल जाए, जितनी जगह में एक कोड़ा कितनी जगह लेगा, 1x1 फुट की जगह भी नहीं लेगा। जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह भी अगर किसी को जन्नत में मिल जाए तो दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उससे भी ज्यादा वो अहमियत रखता है, उससे भी ज्यादा उसकी कदर व कीमत है। जाहिर बात है कोड़ा रखने की जगह की इतनी अहमियत है कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, आज दुनिया की कितनी कदर व कीमत है मालूम हुआ इसी बम्बई शहर के अंदर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर आज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया में 1 स्क्वायर फीट जगह मिलती है, बहुत सी ऐसी जगह, और मामूली जगहों पर 5,000-10,000-12,000 रुपये स्क्वायर फीट जगह मिलती है मामूली जगहों पर बम्बई के अंदर। और दुनिया के अंदर कितनी महंगाई है, ये कितने खजाने हैं, कितनी नेमतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन तमाम चीज़ों के मुकाबले में जन्नत के अंदर कोड़ा रखने की भी अगर किसी को जगह मिल जाती है तो उतनी जगह भी दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा वो कीमत उसकी है। और लेकिन उसी जन्नत के अंदर एक मामूली अमल की बुनियाद पर मन सद्द फुरजतन रफा अल्लाह बिहा दरजतन, जिसने जो है सफ के अंदर खाली जगह को पुर कर लिया, उस छोटे से अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला उसके एक दर्जा को बुलंद कर देता है और उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देता है। मामूली बात है, इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया है,
من بنا لله مسجدا, जिसने अल्लाह की रजामंदी की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, अल्लाह के लिए जिसने मस्जिद बना ली, कमफहस कतातिन औ असगरा, चिड़िया के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो, औ असगरा या उससे भी छोटी मस्जिद। जाहिर बात चिड़िया के घोंसले के बराबर कौन बनाया गया, उससे छोटी मस्जिद कौन बनाया, नहीं, उसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी मस्जिद के अंदर एक ईंट भी लगा दी, आपकी एक ईंट भी अगर लगी हुई हो, तो इस छोटे से काम की बुनियाद पर आपने अगर थोड़ा सा भी पैसा किसी मस्जिद के अंदर अल्लाह की रजामंदी के लिए लगा दिया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए लगा दिया है, मामूली पैसा हो, लेकिन आपकी नीयत अगर खालिस है, इस छोटे से अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देता है। बहुत सारी जगहों पर मस्जिदें तामीर होती और बनती हैं, और अल्लाह के बहुत सारे बंदे भी उस राह में खर्च भी करते हैं। जाहिर बात है खर्च कर रहे हैं तो ही मस्जिदें बन रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अल्लाह के रास्ते में ख़ास तौर पर मस्जिद की तामीर के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह जन्नत के अंदर अगर हमें घर बनाना है तो एक छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल। ये जो हदीस है अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही तरगीब के अंदर ज़िक्र किया है। ये मैं थोड़ी सी बात क्यों बता रहा हूँ कि बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन चूँकि ये सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह जो ताबई हैं उनकी बयान करदा ये हदीस है और मुरसल हदीस है। मुरसल हदीस ज़ईफ़ हदीस की किस्मों में से है, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा कि सईद बिन मुसैब की अगर मुरसल भी हदीस है तो वह हदीस सही होती है। यही वजह है अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, सहीह तरगीब के अंदर इसका ज़िक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मन करा सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमहा अशर मर्रातिन, 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, बन अल्लाह लहू कसरन फिल जन्ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के अंदर एक कसर, एक किला, एक महल तामीर कर देता है। 10 बार सूरह इखलास पढ़ने में बमुश्किल जो है मेरा ख्याल 10 बार पढ़ने में 10 मिनट टाइम जाएगा, बमुश्किल 10 मिनट टाइम जाएगा। इस 10 मिनट के अंदर हमने अगर सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, जन्नत में एक महल हमारे लिए तामीर होगी। अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में हमारे लिए एक महल बना देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद जो है 10 बार पढ़ लिया, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देता है। बहुत मामूली अमल है, मामूली चीज़ है, 10 मिनट के अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो हम कसरत से सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, कसरत से सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अक्सर व अत्यबु, अय उमर अल्लाह तो बहुत कसरत से देने वाला भी है, बहुत ज़्यादा देने वाला है, और अल्लाह तो बहुत अतियब, बहुत अच्छा है, अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी है। तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे अल्लाह तबारक व ताला तुमको उतना ज़्यादा आता फरमाएगा। जाहिर बात है आपको जन्नत के अंदर एक महल बनाना है, आप कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए जन्नत के अंदर एक महल तामीर कर देगा। 20 बार आप सूरह इखलास पढ़ लें, अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए जन्नत के अंदर 2 महल तामीर कर देगा। मामूली मामूली चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के अंदर महल्लात तामीर कर देता है। एक सहाबी, अंसारी सहाबी के बारे में आता है कि मस्जिद कुबा के अंदर वो इमामत कराते थे, तो सूरह फातिहा के बाद फिर वो हर रकात के अंदर जब सूरह फातिहा पढ़ते थे जहरी नमाजों के अंदर, जाहिर बात है जहरी नमाज के अंदर ही सुनेगा आदमी, सिरी नमाजों में क्या सुनेगा, तो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते और सूरह इखलास के बाद फिर कोई दूसरी सूरत तिलावत करते नमाज के अंदर। तो दीगर सहाबा ने कहा कि तुम हर नमाज के अंदर
سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہو اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہو تو کیا تمہارے لیے یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لو یا کوئی دوسری سورت ہی پڑھ لو، کیا ضرورت ہے کہ دو دو سورتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میں آپ لوگوں کی امامت کراتا ہوں، اگر نہیں پسند آئے تو نہیں کراتا ہوں، لیکن میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کا یہ عمل ہے، فلاں صحابی یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آخر کون سی چیز ہے تمہیں سورہ اخلاص پر ابھارتی ہے، کیوں سورہ اخلاص پڑھتے ہو اس طرح؟ تو انہوں نے کہا انی احبہا، اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبہا، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، اے میرے صحابی سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا۔ بہت معمولی چیز ہے، ہم چھوٹا سا یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا۔ اسی طرح ایک صحابی اور ہیں، وہ کسی غزوے کے اندر گئے اور وہ غزوے کے امیر تھے، لشکر کے امیر تھے، تو ان کا یہ قاعدہ تھا، یہ اصول تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھتے اور پھر جو ہے رکوع کرتے۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عادت کا ذکر کیا کہ آخر یہ عادت، یہ ان کی عادت ہے اور یہ ان کا معمول ہے نماز کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان سے پوچھو کہ آخر وہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ چونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سلسلے میں بھی یہی بات کہی کہ سورہ اخلاص کی محبت اور سورہ اخلاص سے جو ان کی محبت ہے تو اس صحابی کو جنت کی بشارت دے دو۔ ہے بہت چھوٹی سی سورت، بہت معمولی سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اگر انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو ہم نافذ کریں گے یا معمول بنا لیں گے کہ کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے خالی ہیں، ہم 10 بار اس کو پڑھ لیں، 20 بار اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ہمارے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک آخری بات کہہ کے میں اپنے اس درس کو ختم کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص لمن ترک المراء وان کان محقا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، ایسا شخص جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اجتناب کر لے، جھگڑا نہ کرے، تو میں اس کو جنت کے اندر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک آدمی حق پر ہے اور حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا کہ بھائی مجھے لڑنا نہیں ہے، مجھے جھگڑنا نہیں ہے۔ آج تو معلوم ہوا معمولی معمولی بات پر لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، بلکہ جھگڑا تلاش کرتے ہیں، لیکن جھگڑا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھگڑے ہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر متعین طور پر بتا دی گئی تھی کہ شب قدر کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے، کس تاریخ کو ہے رمضان کی، یہ چیز بیان کر دی گئی تھی، آپ کو بتا دی گئی تھی، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کی بنیاد پر آپ کو بھلا دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود، ہم حق پر ہیں، سامنے والا ناحق پر ہے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے ہیں، لڑائی سے اگر بچ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اندر میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کے لیے ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر کرتا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگر ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر ہم نافذ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت سارے محلات جنت کے اندر بنا دے گا اور تعمیر کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم تمام لوگوں کو جنت نصیب فرما، اے اللہ تو جنت کے اندر
हमें हमारे लिए महल्लात बना दे, जन्नत के अंदर हमारे लिए अल्लाह तो घर तामीर कर दे। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें।